बरही तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पिपरिया कला धान खरीदी केंद्र में दलाल व्यापारियों का कब्जा होने से किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान है। इस ओर कोई जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देने वाला नहीं है। किसान कैलाश पटेल उमेश पटेल ने बताया कि पिपरिया खरीदी केंद्र में 15 दिनों से अपनी उपज बेचने के लिए बैठे हैं। खरीदी केंद्र प्रभारी अजय पटेल द्वारा बारदाना न होने की बात कही जा रही है। किसान का कहना है कि बारदाना व्यापारी दलालों को दे दिया जाता है, जिसके कारण किसान अपनी पर बेचने के लिए परेशान है। किसानों ने खरीदी केंद्र की जांच कर कलेक्टर महोदय से कार्यवाही की मांग की है। बड़ही से संदीप स्वर्णकार की रिपोर्ट। 41 अरे जाओ निकाल दो ना। 40 अरे भरे ना हन होवे। 40-60 कितना? 800। 41 करते के 40 41 टोटल 41 का और ज्यादा 41 है। 41-100 है ना। किसके तान धान तुल रही वाली पंडित जी बैठी खड़ा वाली बता जानकारी। क्या नाम है आपका? रामलाल। कहाँ से आए हैं? पिपरिया कला। कितने दिनों से यहाँ धान लेकर बैठे हैं? 15 दिन हो गए। अभी तक धान नहीं तोली? क्या बोल रहे हैं? क्या बोले, यहाँ के कर्मचारी हैं, अब कर्मचारी के ऊपर है, जिसका माल तोला दें जिसका माल ना तोलाएं। क्या कारण है इसका? अभी इसका कारण अब वही जाने। अब तो आपको बताए होंगे कि क्या समस्या आ रही, पैसे नहीं मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे सब यहाँ धांधली है। किस प्रकार के धांधली हो रही है बताइए ना आप। अरे भैया जो कोई दे देता है उसका माल तोला जाता है, जो कोई नहीं देता तो उसका माल नहीं तोलाता। मतलब जो पैसे दे देता है उसका पहले तुलाई हो जाती है ना। अच्छा, तो आप लगभग 15 दिन से यहाँ बैठे हैं, अभी तक धान नहीं तोली।